स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। आज है 9 सितंबर 2022 और आज के डेट में CUET 2022 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलने जा रही है। यदि आप CUET से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। CUET की आंसर की कल जारी कर दी गई है, आप लोग जो है अपने लॉगिन आईडी से अपना आंसर की देख सकते हैं। और उसके अलावा रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी, उसके बाद कितना कट ऑफ जाएगा, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए हमारे सामने यहाँ पर अमर उजाला पेपर है जिसमें लिखा है CUET रिजल्ट अपडेट 2022, इस तारीख तक जारी हो सकता है रिजल्ट। और आगे यहाँ DU वालों के लिए भी लिखा है कि जाने DU के लिए कब से शुरू होगी एडमिशन प्रक्रिया। तो आइए अब यहाँ पर पूरा चीज़ विस्तार से आपको दिखाते हैं। लिखा है देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए इस साल जो इस साल से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मतलब CUET की व्यवस्था लागू की गई है। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात NTA द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही CUET UG 2022 का एग्ज़ाम संपन्न कराया जा चुका है। अब इसमें हिस्सा लेने वाले छात्रों को अपने रिजल्ट का इंतज़ार है। ठीक है, 15 जुलाई से शुरू हुई यह परीक्षा 30 अगस्त तक मतलब कि समाप्त हुई है, 30 अगस्त तक चली थी और इसमें छात्रों की ओवरऑल उपस्थिति 60% रही थी। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की जो परीक्षाएं हैं कोर्सेज में उसकी CUET PG की परीक्षा 1 सितंबर से शुरू हुई है और अभी वो परीक्षा चल भी रही है। अब आगे यहाँ पर रिजल्ट के बारे में इन्होंने लिखा है कि CUET UG में हिस्सा लेने वाले छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल परीक्षा के आयोजन में हुई देरी के बावजूद इसका रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो NTA इस परीक्षा का रिजल्ट 10 सितंबर तक जारी कर सकती है। वहीं CUET PG का आयोजन 11 सितंबर तक पूरा हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट जो है 20 सितंबर तक आपका जारी किया जा सकता है। तो अब DU के लिए थोड़ी सी बात यहाँ पर आपको बता दें कि CUET UG में हिस्सा लेने वाले अधिकतर छात्रों की पहली पसंद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी अर्थात DU थी और 6 लाख से भी अधिक छात्रों ने CUET के जरिए DU में एडमिशन के लिए आवेदन किया है। वहीं विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DU में CUET के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद शुरू हो सकती है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक CUET के जरिए DU में एडमिशन के लिए जल्द ही कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम अर्थात CSAS पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और छात्रों को इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और छात्रों को इससे जुड़ी अपडेट के लिए CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।